भाई नमस्कार, फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। तो देखिए, आज के सेशन में जो अभी शाम को 4 बजे सेशन हुआ था, उस सेशन में क्या हुआ था इस सवाल में ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको ये भी बता दिया था पूरा, एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी कि हमने ये बताया था आपको कि ये थे। मैंने आपको ये बताया था कि इसका ये भाग जो है इस भाग के बराबर था, ठीक। तो इसका मतलब मैं ए का जो ये हिस्सा है, जो ये भाग ए है, उसको मैं इसके साथ लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा बी इज इक्वल टू 2a। और जल्दबाजी में या कुछ ऐसे में ये बताने के बावजूद आंसर में गड़बड़ लिख गया, आंसर में लिख गया था ऑप्शन नंबर ए, यानी ए इज इक्वल टू बी, जबकि होना क्या चाहिए था बी इज इक्वल टू 2 ऑफ a, ठीक है। एक यहाँ पर गलती हो गई थी, ठीक है, जिसके लिए मैं आपसे तहे दिल से क्षमा मांग चाहता हूँ। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और जो दूसरा प्रश्न था वो ये वाला था, जिसमें पाइप वाला था कि एक पाइप किसी टंकी को एक पाइप किसी टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है, दूसरा पाइप जिसकी त्रिज्या पहले से 2 गुनी है टंकी के साथ उसे खाली करने के लिए जोड़ा जाता है, दोनों मिलकर टंकी को एक साथ कितनी देर में खाली करेंगे। तो अगर पहला पाइप किसी टंकी को 40 मिनट में खाली कर रहा है, ध्यान से समझिएगा, और जिसकी त्रिज्या आर है, ध्यान से देखना, इसमें गलती ये हो गई थी कि दूसरा पाइप इसे कितनी देर में खाली करेगा, जबकि यहाँ पर त्रिज्या 2 गुनी की गई थी। तो त्रिज्या 2 गुनी करने से मतलब क्या हो जाएगा, देखिए, अगर मैं पाइप की बात करता हूँ तो पाइप क्या होता है, एरिया को कवर करेगा, यानी कि जो समय यहाँ पर आधा मैंने लिख दिया था वो हो जाएगा इसका 1/4, यानी कि 10 मिनट, ठीक। तो इस हिसाब से यहाँ पर आंसर हुआ था चेंज, ठीक। तो अब कह रहा है दोनों मिलकर कितनी देर में खाली करेंगे, 40 ही हो जाएगा, एक यहाँ पर 4 यहाँ पर, यानी कि 40 को 5 के हिसाब से खाली किया जाएगा, तो जो समय लगेगा वो 8 मिनट का लगना चाहिए था। यहाँ पर ऑप्शन मैंने 13 सही 1/3 कर दिया था। तो ये 2 गलतियां हुई थी आज के सेशन में, जिसके लिए मैं आपसे तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ। और मैं प्रयास ये करूँगा कि अगले सेशन में या नेक्स्ट सेशन में इस प्रकार की जो लिखने में जो गड़बड़ हो जाती है वो नहीं होगी, ठीक है। धन्यवाद आपके कोऑपरेशन के लिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।